हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी और यमी रेसिपी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिया मैंने ये खाली बाउल, तो इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन। तो बेसन मैंने 1 कप लिया है। फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज। प्याज मैंने बारीक कट करके ली हुई है और ये 1 मीडियम साइज की प्याज है। फिर उसके बाद लहसुन डाल देंगे, ये मैंने 4 से 5 कलियां ली हैं और इनको क्रश कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने लिए हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची मैंने 1 ली है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर डालेंगे हम अजवाइन, तो अजवाइन हम हाथों से इस तरीके से क्रश करते हुए डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा आएगा। फिर डालेंगे हम इसके अंदर नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मेथी, तो ये मैंने 1 कप ली है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को हम करेंगे पहले अच्छी तरीके से मिक्स। फिर इसके अंदर हम डालेंगे पानी, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका एक हमें बैटर तैयार करना है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है, तो इस तरीके का बैटर होना चाहिए। तो अब ये मैं इसको निकाल लूंगी और इसको ढक के मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये ले लिए मैंने तवा, तवे को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से ऑयल डाल देंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे। अब उसके बाद जो हमने बैटर तैयार करा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, तो थोड़ा ही डालना है हमें और फिर इसको गोल गोल घुमा देना है। तो बैटर को मैंने अच्छी तरीके से डाल दिया है, अब इसको धीमी आंच पे हमें सेक लेना है। तो ये नीचे से अच्छी तरीके से सिक चुका है, अब बिल्कुल हम धीरे हाथ से इसको पलट लेंगे और इसकी तरफ भी हम ऑयल लगा देंगे। और मेथियां सर्दी में आती हैं तो ये इसको खाया भी बहुत जाता है, यानी ये मेथी वाला चीला है और खाने में तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यमी लगता है। अब इसको भी इसी तरीके से हम सेक लेंगे। तो ये हमारा नीचे से भी अच्छी तरीके से सिक चुका है, तो अब इसको मैं निकाल लूंगी और इसी तरीके से अपने सारे चीले सेक के तैयार कर लूंगी। तो हमारा टेस्टी यमी मेथी का चीला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसको मैंने टमाटर सॉस के साथ और चटनी के साथ सर्व किया है। आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, अचार के साथ, चटनी के साथ, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यमी लगता है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।